और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है नोएडा से, जहां लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में भीषण आग लग गई। इसी फटने से ये भीषण आग लगी है। आग की चपेट में कई फ्लैट आ गए हैं। आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा के एक बहुमंजिला सोसाइटी में एसी फटने से भीषण आग लग गई, जिससे कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए। मामला नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी का है, जहां एसी में ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर ग्राउंड में आ गए। कई और फ्लैट भी आग की चपेट में आने की संभावना है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए एसी फटने से ये भीषण आग लग गई और कई फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, कहां का ये मामला है और कब ये आग लगी, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए माधुरी, करीब आधा घंटा पहले फायर डिपार्टमेंट को ये जानकारी दी गई थी कि नोएडा के सेक्टर 100 लोटस ब्लूवर्ड सोसाइटी है, जिसमें आग लगने का यहाँ पे जानकारी मिली है। जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की 3 गाड़ियां मौके पे पहुंची है, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन एसी फटने की वजह से जो आसपास के जो फ्लैट है वो भी आग की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल जो जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित जो है वो नीचे आ गए। अभी फिलहाल दमकल की 5 गाड़ियां हैं जो मौके पे आग बुझाने का प्रयास कर रही है। खुद चीफ फायर ऑफिसर मौके पे है। आग किस कारण लगी अभी ये हालांकि साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि काफी तेज आवाज जो है जो एसी वाली बालकनी थी उसमें से आई है, उसके बाद ही जो आग जो है वो तेजी से फैलने लगी। फिलहाल दमकल विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि हवा काफी तेज है और ऐसे में तो और जो फ्लैट है वो जो आसपास के फ्लैट है वो चपेट में आए, इस वजह से आग पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब आधा घंटा पहले ये पूरी जानकारी मिल पाई है, लेकिन दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में ये जांच की जाएगी कि आखिर यहाँ पे जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है उनको कितना पूरा किया गया था। यहाँ जो स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं जिससे कि फ्लैट में अगर कोई धुआं होता है या आग लगती है तो तुरंत पानी निकलता है, वो यहाँ पे कितने काम कर रहे थे, या फायर की जो NOC है वो इस सोसाइटी में है या नहीं, ये सभी चीजों की जाँच जो है जब आग पे पूर्ण तरीके से काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ये जाँच की जाएगी। फिलहाल गनीमत इस बात की है कि जब फ्लैट में आग लगी जो परिवार मौजूद था वो कोई हताहत नहीं हुई है, वो सुरक्षित है, लेकिन इसी मामले की अब आगे जांच जो है फायर डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। जी, लेकिन शिव, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ऐसे में भयावह तस्वीरें हैं और धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है, जो आसपास के फ्लैट है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या उन फ्लैटों से भी जो लोग हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं? देखिए, फायर डिपार्टमेंट की टीम जब मौके पे पहुंची थी और जो सोसाइटी के मेंटेनेंस के लोग हैं वो भी जो है तुरंत एकदम एक्टिव हुए और उसके बाद जो आसपास के फ्लैट के लोग हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे कि जो फ्लैट आसपास के जो फ्लैट है अगर उसमें आग फैलती है तो ऐसे में कोई हताहत ना हो, ये कोशिश जो है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, क्योंकि हवा काफी तेज है, ऐसे में आसपास के जो फ्लैट है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि कुछ फ्लैटों में जो बालकनी में सामान रखा था उसको हटा लिया गया है, जिससे कि वहां पे भी आग ना फैले। कुछ ही देर बाद जब पूर्ण तरीके से आग पे काबू पाया जाएगा और ये जांच की जाएगी कि आग लगने के कारण क्या है, किस वजह से एसी में आग लगी है और क्या क्या जो सामान है वो घर का जला है और आखिर जो फायर NOC के नॉर्म्स है उनको यहाँ पे कितना पूरा किया गया था, इन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। बिल्कुल, देखना होगा शिव कब तक ये जानकारी सामने आएगी और कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा, और देखना होगा जब आग पर काबू पा लिया जाएगा और जब जांच होगी तो ये भी चीजें सामने आएंगी कि क्या कारण रही आग लगने की।